आजादी पूर्व आदिवासी संघर्ष और मिले हुए संवैधानिक अधिकार, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने आपका काफी नाम सुना है महाराष्ट्र में, और मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे मुख्य विषय को आने से पहले कि जो राजस्थान में आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हमारे यहाँ के लोग जानना चाहेंगे आपसे, तो शुरुआत करते हैं आपसे। हाँ बवरलाल परमार, जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान में आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, तो इसे आंदोलन कहें या जन जागरण कहें, पहले तो हम लोग को ये क्लियर करना होगा। तो हमारी यहाँ की जो सोच है उसके अनुरूप हम लोग उसको जन जागरण कहेंगे, क्योंकि आंदोलन तो कोई चीज हासिल करने के लिए होता है ना। संघर्ष है वह कोई चीज आपको कोई नहीं दे रहा है तो वो हासिल करने के लिए होता है। हम लोग जो जन जागरण कर रहे हैं या फिर हम लोग जो कामकाज कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों का जो बना बनाया विरासत में हमको जो मिला है उसको हम जीवित कैसे रखे, यानी उसको हम लोग आने वाली नेक्स्ट जेनरेशन तक हम कैसे लेके जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। एक बात तो ये क्लियर होना जाना चाहिए, इसलिए अपने जो यहाँ जो जन जागरण चल रहा है उसको एक आंदोलन का नाम से परिभाषित करना ये उचित नहीं होगा, इसको हम लोग जन जागरण कहना चाहिए। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि जहां तक राजस्थान की बात कर रहे हैं आप, तो हम लोग राजस्थान ही नहीं, हम लोग आस पड़ोस का जो आपका 15 से 17 जिले जो हमारे एमपी के और आपका गुजरात के और राजस्थान के मिला करके हैं, उन सब में हम लोग कामकाज कर रहे हैं। अभी जहां तक क्या है, अभी जहां तक हमारे जन जागरण की बात है या फिर ये मुख्य विषय की बात है, तो इस विषय में मैं थोड़ा सा यूं कहना चाहूंगा कि पूरे देश भर में आदिवासी लोग काम कर रहे हैं, इसके बावजूद उनको वो सफलता मिलनी चाहिए जो वास्तव में जिसके वो हकदार है, या फिर वो जो संघर्ष कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो मिलनी चाहिए, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। तो हम सब जानते हैं बाधाएं कौन पैदा करता है, क्या करता है क्या नहीं, सब जानते हैं। लेकिन अब मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि हमारे लोग हैं वो ज्यादातर भ्रमित हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, जो जन जागरण में हमारे साथ होते हैं वे भी गुमराह हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। तो गुमराह और भ्रमित होने से लोगों को कैसे बचाया जाए, इस पर ज्यादा काम करना आज पूरे देश भर में आदिवासियों के बीच में जरूरी है। तो इस विषय पर मैं थोड़ी सी बात अपनी कहना चाहूंगा, इस पर हम पूरे विषय पर आते हैं। तो देखिए, आप कोई बात आपके समाज के युवाओं को या कर्मचारियों को या समाज को बताने जा रहे हैं, तो एक बात तो आपको लगेगा कि वो सामने वाला है वो पूरा समझ गया, यानी आपने जो बताया उसको उसने सच माना और उसका वो अनुयायी बना, फॉलोअर्स बना, अपने सब मानते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा आदमी उसी बात को दूसरे तरीके से कहता है तो वो उसकी बात को भी फॉलो करने लगता है, उसकी बात को भी वो सही ऐसा मान लेता है। यानी तो दो आदमियों ने बात किया, वो दोनों आदमियों ने जो बात किया उनमें कौन सी ज्यादा सही है उसका निर्धारण कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तो दूसरी बात ये है कि हमारे देश भर में जितनी सच बताने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है, और झूठ फैलाने वाले, झूठ प्रचार करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और जो झूठ है वो वास्तविकता पर आधारित नहीं है, वो काल्पनिकता पर आधारित है। तो क्या किया जाए कि हमारे जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता है या फिर हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आपका सच्चाई, सच क्या है वो कैसे पता लगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम लोग इधर बताते रहते हैं हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को, कि जो भी प्रकृति सम्मत है, जो भी प्रकृति के अनुकूल है वही सच है। एक बात तो, एक आपका क्या कहें, कसौटी ये हो गई। दूसरी कसौटी ये है कि इस धरती पर, इस सृष्टि में, इस प्रकृति पर जितने भी जीव हैं, उन जीवों के अधिकतम कल्याण पर आधारित जो सोच है, जो विचारधारा है, जो बात है, जो तथ्य है वह सही है, हम ऐसा मानते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि झूठ क्या है, तो झूठ वो होगा जो आपका प्रकृति के अनुरूप नहीं होगा, प्रकृति के अनुकूल नहीं होगा।
अब इस तरीके से लोगों को समझाना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो अधिकतम जो जीव है इस प्रकृति पर, उनके प्रतिकूल है, उनके लिए नुकसानदेह है, उनके लिए हानिकारक है, वो गलत हुआ, ये झूठ हुआ, तो इस तरीके से आज सोचता कौन है? क्या आदिवासियों में जो सामाजिक संगठन है या फिर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या इस तरीके सोचते हैं? जब उस तरीके से आप सोच ही नहीं रहे हो तो आप कैसे लोगों को कहने वाले सही रास्ते पर आगे बढ़ाओगे? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैंने बात किया वास्तविकता और काल्पनिकता का, तो आदिवासी वास्तविकता में बिलीव करता है, विश्वास करता है, काल्पनिकता में विश्वास नहीं करता। अब सवाल पैदा होता है कि वास्तविकता है क्या, ये देखना पड़ेगा। तो जब वास्तविकता क्या है, तो जो आंखों से दिख रहा है, हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनके द्वारा जो अनुभव होता है उसको हम वास्तविकता कहेंगे। काल्पनिकता किसको कहेंगे? पूरी जिंदगी कल्पना में निकाल दो और आपको एक छिंदी भी कुछ भी नहीं मिले। और हमारे देश में लोग हैं वो कल्पना में जिंदा रहना ज्यादा पसंद करते हैं, आदिवासियों को छोड़ करके। तो ये बहुत बड़ी बात है, काल्पनिकता बनाम वास्तविकता का जो संघर्ष चल रहा है, ये कोई आज से संघर्ष नहीं चल रहा है। इस संघर्ष में इंसानों में तो केवल आदिवासी है वह प्रभावित हो रहा है, लेकिन आदिवासी के साथ सारा जीव जगत प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम लोग जो आदिवासी लोग हैं उनको काल्पनिकता के बजाय वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और वास्तविकता पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब हमारे इधर की बात करता हूं, ये बात हम समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोगों हेलो शायद परमार सर जी का कनेक्शन का कोई इशू है, तो जैसे ही वो कनेक्ट होते फिर हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले डॉक्टर पराग, आप पालघर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो और पालघर में काफ़ी काम आप वहाँ पे हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह का काम आज पालघर में चल रहा है? आपने कवराम काका रोडड़े के साथ काफ़ी काम भी किया है, और अपना जो मुख्य विषय है उसके ऊपर आने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि पालघर जैसे एरिया में क्या तकलीफें हैं और किस तरह का काम हमारे समाज के मिशन के माध्यम से चल रहा है। वास्तविकता, पहले तो मैं सबको जोहार कहता हूँ और 9 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि जागतिक आदिवासी दिवस हमारे यहाँ हुआ है और आने वाला अपकमिंग 13 सितंबर है जो आदिवासी अधिकार दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसके लिए हम कुछ प्रयास करेंगे, उसके बारे में जन जागृति करेंगे। तो जो पालघर की समस्या है, पहले तो ये एक चलवल या मूवमेंट की भूमि रही है काका के जमाने से, और इससे पहले भी जो यहाँ के वारली रिवॉल्ट हुआ है, जो बंड हुआ है, एक ये भूमि है जहाँ पे आंदोलन मतलब अपने हक के लिए लड़ाई चली है सबसे, मतलब 1938 से ये जी आवाज आ रही है, चल रही है। हाँ सर आवाज आ रही है भैया? आ रही है। हाँ एक दो बातें और कहना चाहूंगा। हाँ एक दो बातें और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे देश भर के लिए। दो मैंने बातें बताई, एक तो सच क्या है और झूठ क्या है, और दूसरा काल्पनिकता और आपका वास्तविकता की बात किया। अब हमारे जो लोग काम कर रहे हैं वो समाज नीति को पहले नंबर पे नहीं रखते, प्रथम नहीं रखते, समाज नीति प्रथम नहीं रखते हैं और राजनीति प्रथम रखते हैं। इस वजह से हमारे समाज में एकता प्रस्थापित नहीं हो रही है, और ये एकता प्रस्थापित नहीं होने की वजह से ही हमारा कोई भी जन जागरण उस मुकाम तक नहीं जा रहा है जिस मुकाम तक हम लोग सफल हो। इसलिए सारी बातों का निचोड़ ये है जो इस भूमिका के रूप में, कि हमें सच क्या है और झूठ क्या है उसका निर्णय लेने का हमारा एक धारणा होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए, विजन होना चाहिए।
दूसरा क्या है कि वास्तविकता और काल्पनिकता में दोनों में से किसको फॉलो करना है ये भी होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बात है, आगे अपन अलग विषय अपने विषय पर बात करते हैं। जी हाँ, तो हमारे साथ डॉक्टर पराठ भी है, तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि पराठ सर आप पलघर के एरिया में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो अपनी जमीन की लड़ाई चल रही थी, आज भी है वो, लेकिन आज की हम सिचुएशन की बात करें, क्योंकि ये हॉट पॉइंट हो गया है पालघर, क्योंकि ये रास्ता पूरे देश में जाता है, मुंबई यहाँ से गुजरती, मुंबई से जो रास्ते निकलते हैं वो हमारे जिले से गुजरते हैं, इसलिए पालघर आज के दिन में हॉट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो जाने वाला है, जिसमें करीबन 150 किलोमीटर का जो एरिया है समुन्द्र से लेके, वो यहाँ से हमारे पूरा पालघर से गुजरता है। इसमें बुलेट ट्रेन हो गया, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर हो गया, यहाँ के बहुत बड़ा वाढ़वन बंदर बनने जा रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट पालघर जिले से गुजर रहे हैं, इसलिए जमीनी स्तर की हर दिन की हमारी लड़ाई यहाँ पर चल रही है। हम लोगों के अंदर जागरूकता करने का काम कर रहे हैं, यहाँ कायदा कानून सारी चीज है, पैसा कानून है, ग्राम सभा का अधिकार है, लेकिन इसके परे जाकर भी गवर्नमेंट जोर जबरदस्ती जमीन हथियाने की कोशिश कर रही है। ये पूरा शेड्यूल एरिया है, फिफ्थ शेड्यूल यहाँ पे लागू है, फिर भी इसलिए आए दिन हम इसके खिलाफ लड़ाई चल रही है और ये अब विषय बहुत बड़ा बन गया है, इसलिए अभी प्राथमिकता है हमें जमीन बचानी है, इसलिए हम काफी सालों से मेहनत करे इसके ऊपर। जैसे ही पहले हम थाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे, हमारा जो मूवमेंट शुरू हुआ वो जब से ये डिवाइडेशन हुआ थाना का पालघर में, और पालघर बनने के बाद जो प्रोजेक्ट की लाइन शुरू की थी 2014 से 2014 से यहाँ पे प्रोजेक्ट की लाइन शुरू हो गई है, इसलिए ये पूरा इलाका उजड़ने की कगार पर है। तो हम लोगों के लगातार बने हुए हैं 2014 से कि बुलेट ट्रेन क्या है, आज तक तो बुलेट ट्रेन का हमने सर्वे रुक के रखा है, अभी तो कोरोना में, फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन वहां से कैसे कर सकते हैं। हाल फिलहाल में वेबिनार के माध्यम से भी कलेक्टर ने सभी ग्रामीणों से पूछा, ग्राम पंचायतों से पूछा कि हमें क्या करना है, तो लोगों ने सीधा ना बोल दिया कि हमारे ग्राम सभा ने आपको अलाउड नहीं किया है, फिर भी आप जोर जबरदस्ती कैसे कर रहे हैं। कलेक्टर ने खुद ने सामने से बोला कि भाई पैसा के अंदर शेड्यूल एरिया के अंदर की जो ग्राम सभा है उसका हमें विशेष तरह से सम्मति लेनी होगी। ये सारी चीज होने के बाद भी कुछ कुछ जगह पे छुप कर लोग आते हैं गवर्नमेंट वाले और करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज यहाँ पर चल रही है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे इलाके में है, क्योंकि हम मुंबई के नजदीक है, कि जो कल्चर जो सांस्कृतिक जो चीज है उसके ऊपर बाहर के लोग बहुत हावी है, इसलिए अभी हम आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से कल्चर कैसे बचा रहे इसलिए भी प्रयास कर रहे हैं। हमें मालूम है जमीन बहुत अहमियत चीज है, लेकिन कल्चर भी बहुत बड़ी चीज है जो हमें यहाँ पे बचानी होगी, ताकि अपनी जो अलग पहचान है हम यहाँ बरकरार रखें और सरकार के साथ डायलॉग कर सके कि हम ट्राइबल आदिवासी लोग हैं और हमारे अलग से पहचान है, और भले ही कानून में कुछ दिया है, फिफ्थ शेड्यूल है, पैसा है, लेकिन सरकार वो चीज भी नहीं, तो हम दोहरी तरह से फंस गए हैं यहाँ पर। एक तरफ हमारी जमीनी लड़ाई है, एक तरफ कल्चर संस्कृति बचाने का भी एक तरफ से हमारा काम चल रहा है, तो इस हिसाब से हमारी लड़ाई पालघर में आज के दिन पालघर एकदम हॉट पॉइंट बन चुका है कि यहाँ हमारा अस्तित्व होगा नहीं होगा, ऐसी हमारी संभ्रम अवस्था है। और अभी कोरोना के अंदर गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से जमीन हथियाने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ बहाना है, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं हो सकते, वहाँ ये धारा लागू है, वहाँ वो कानून लागू है, इसके पीछे सारी षड्यंत्रकारी चीजें चल रही हैं। तो इसके लिए भी हम अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें जागरूक करना है, भले भी कुछ चीज हो, कोरोना हो, सारी चीज हो, काजे करना, लेकिन हमें अपनी जमीन बचानी है, इसलिए सतत जागरूक रहना पड़ेगा और जो भी मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर हमें ध्यान रख के उसका प्रतिरोध करना होगा। इस तरह का काम अभी पालघर में हमारा चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद पराठ सर, जो पालघर में चल रहा है वो आपसे हमें जानने की हम लोग वो जान पाए। और जैसे अभी परमार सर ने बोला कि किस तरह से संस्कृति को लेके वहाँ पे राजस्थान में काम हो रहा है, राजस्थान में ही नहीं तो उसके आजू बाजू में जो बेल्ट है जगह प्लेसेस है वहाँ पे भी काफ़ी काम हो रहा है। तो जो मेरा अगला प्रश्न है वो परमार जी आपसे, जो आज का हमारा मुख्य विषय है आज़ादी पूर्व आदिवासी संघर्ष और मिले हुए संवैधानिक अधिकार, तो इस विषय पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं। हाँ परमार सर,
सर जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में आदिवासियों के आंदोलन हुए, ये तो इतिहास में हमको नॉलेज है। अब मेरा सवाल ये है कि मुगलों के जमाने में आदिवासियों के आंदोलन क्यों नहीं हुए, रजवाड़ों के टाइम में आदिवासियों के आंदोलन क्यों नहीं हुए, ये हमको समझना पड़ेगा, है ना। तो मेरा इस मामले में अनुभव है, मैं इतिहास में नेट की हूँ और मेरा काफी अध्ययन है इस विषय पर। तो उस जमाने में, जैसे मुगलों के जमाने में गिनो, रजवाड़ों के जमाने में गिनो, तो आदिवासियों का टेरिटोरियल एटोनॉमी था, टेरिटोरियल एटोनॉमी था। अब उस टेरिटोरियल एटोनॉमी को आपका अंग्रेजों का साथ में 1818 में जो संधि हुआ रजवाड़ों के साथ में, तो दो शक्तियां मिल करके आदिवासी पर को प्रेशराइज करने लगी। एक तो ऑलरेडी रजवाड़ा था, रजवाड़ों के एरिए में आदिवासी जहां भी रह रहा था उसका टेरिटोरियल एटोनॉमी थी, तो रजवाड़े और अंग्रेज दोनों ने मिलकर के आदिवासियों को एरिया में उनकी टेरिटोरियल एटोनॉमी को खत्म करने का प्रयास किया, इसी वजह से आदिवासियों के आंदोलन हुए। अब टेरिटोरियल एटोनॉमी क्या है उस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं इसी एक शब्द पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। तो टेरिटोरियल एटोनॉमी की वजह से मुगलों के जमाने में आदिवासियों को टेरिटोरियल एटोनॉमी थी, रजवाड़ों के टाइम में टेरिटोरियल एटोनॉमी थी, इसलिए आंदोलन नहीं हुए। और अंग्रेजों के जमाने में दो शक्तियों ने मिलकर आदिवासियों की टेरिटोरियल एटोनॉमी को क्रॉस करने का, यानी दबाने का, खत्म करने का प्रयास किया, इसी वजह से अंग्रेजों का जब आपका बक्सर का जो युद्ध हुआ आपका 1764 में, इसके बाद 1765 में मुगल सम्राट ने उनको दीवानी फौजदारी का अधिकार दिया बंगाल में, तो इसके बाद में 1769 में आदिवासियों का पहला मूवमेंट हुआ, और इसके बाद लगातार आदिवासियों के आंदोलन होने की वजह से आदिवासियों को पहला अधिकार आपका 1837 में मिला। इसके बाद आपने देखा होगा कि 1855-56 का जो ये हुल विद्रोह हुआ संथालों का, उसके उसमें भी हम लोगों को राइट्स मिले, और इसके बाद बिरसा मुंडा का मूवमेंट होता, उसके उसके बाद भी हम लोगों को आपका अधिकार मिलते हैं। और इससे पहले आपका बिरसा मुंडा के मूवमेंट से पहले शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट भी बना था, आप सब जानते हैं ये, इसको दोहराने की जरूरत नहीं, हमारे दूसरे वीडियो में डिटेल में है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो 1935 अधिनियम जो भारत सरकार का अधिनियम आया, तब तक आदिवासियों का पूरे देश भर में जो जन जागरण हुआ उसका आधार पर अंग्रेजों ने जो अध्ययन किया, या फिर उन्होंने जो यहाँ पर राज करने के लिए उनको जो शांति प्रस्थापित करनी चाहिए थी शासन प्रशासन के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो विशेष प्रावधान किए, वो विशेष प्रावधान को लिपिबद्ध किया गया आपका सेक्शन 91 एंड 92 भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और उसमें आंशिक चेंज, एक दो शब्दों को चेंज करते हुए वो संविधान में आया, जिसको हम पांचवी और छठी अनुसूची कहते हैं। तो ये आदिवासियों के जन जागरण की बदौलत, आदिवासियों के क्या कहे मूवमेंट की वजह से, आपका आंदोलन की वजह से जो अंग्रेजों के जमाने में हुए उनकी वजह से हमको मिला। लेकिन क्या होता है, देश में जो देश आजाद होने के बाद में आदिवासियों पर पूना पैक्ट थोपा गया, और पूना पैक्ट थोपने की वजह से जो आदिवासियों के पास में सिलेक्शन का पावर होना चाहिए था वो पार्टियों के हाईकमांड के पास चला गया शेड्यूल्ड एरिया में। तो शेड्यूल्ड एरिया में जो पावर आदिवासियों के पास सिलेक्शन का होना चाहिए अपने प्रतिनिधियों का, वो हाईकमांड के पास चले जाने की वजह से आदिवासियों को केवल इलेक्शन का पावर मिला, सिलेक्शन का पावर नहीं मिला, इसलिए वो लोग वहां संसद और विधानसभा में गए जो लोग आदिवासियों के बारे में मुंह चुप रखना चाहते थे या रख रहे थे, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके ही हाई कमांड ने उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां भेजे, इसलिए कभी नहीं बोले। इसके पूना पैक्ट के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए आज की तारीख में आदिवासियों को अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा और संसद में भेजने के लिए सिलेक्शन का पावर अपने हाथ में लेना होगा, और सिलेक्शन का पावर अपने हाथ में कैसे ले, उसके हम लोगों ने 12 सामाजिक संगठनों का एक समूह बनाया है। उस समूह में आपका आम राय से सिलेक्शन होगा ब्लॉक लेवल पर, और इसके बाद में जिला लेवल पर, इसके बाद में स्टेट लेवल पर, इस तरीके का हम लोग पूरी व्यवस्था निर्माण करने के लिए प्रयासरत है। यदि ये व्यवस्था पूरे देश भर में आदिवासी लोग एक्सेप्ट करते हैं तो मैं समझता हूं
हमारी जो 1951 में जो तत्कालीन समय में जो लोगों ने षड्यंत्र करके हमको सिलेक्शन का पावर हमारे हाथ से छीन लिया और हम पर जो एससी पर पुनः पेट लागू था वो आदिवासियों पर पुनः पेट लागू करके आदिवासियों के पास सिलेक्शन का पावर छीन लिया और केवल इलेक्शन का पावर दिया, जिसकी वजह से हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव जहां हमारी आवाज विधानसभा और लोकसभा में जानी चाहिए थी वो नहीं गई, वो जाएगी। और ये जब तक ये काम नहीं होगा हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। जैसे पालघर का रेफरेंस भाई ने दिया, तो क्या पालघर के आसपास के जितने महाराष्ट्र में विधायक हैं, क्या वो विधायक ये बात नहीं जानते? जो ग्राउंड लेवल पर जो कर्मचारी लोग हैं, ग्राउंड लेवल पर जो किसान है, ग्राउंड लेवल पर जो मजदूर है, ग्राउंड लेवल पर जो युवा है, ग्राउंड लेवल पर विद्यार्थी है, वो लड़ाई लड़ेंगे क्या? तो फिर ये आपका विधानसभा और लोकसभा में जो लोग भेजे हैं उनका काम क्या है और वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका मूल कारण है आपका ये सिलेक्शन का पावर हमारे पास नहीं था। तो मैं सारी बातों का निचोड़ आपको पहले भी पॉइंट में बताया कि हमारी समाज नीति क्लियर नहीं है और हम धरातल पर लड़ाई लड़ने के लिए उतरे। ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी भाई, ऐसे नहीं सकते हम लोग। हमारी नीति पहले तय होनी चाहिए, योजना तय होनी चाहिए और योजना डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। आज देश भर में हम लोग पुराने जमाने की जो नीतियां उस नीति से काम नहीं कर सकते। अब देश और दुनिया आगे बढ़ चुकी है तो हम लोगों को वर्तमान व्यवस्था देश में जो चल रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो चल रहा है, न्याय की व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। देश में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए, उन जजमेंटों को हमने सही तरीके से लोगों को समझाया नहीं, बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया। संविधान के जो प्रावधान है उन पर हम ढंग से बात नहीं कर पा रहे। हम लोग पिछले 25-26 साल से इतने बड़े बड़े सम्मेलन ले रहे हैं, हम लोग भी 2006 से जुड़े हुए। मैं पहली बार आदिवासी एकता परिषद 2003 से आया, लेकिन एक घंटे का स्पीच हम लोगों को संविधान में क्या प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के क्या प्रावधान है, वो पढ़ाया होता किसी ने आज तो हम ये पालघर वाली स्थिति नौबत में नहीं आती। मैं ऐसा मानता हूं या हमारे नीति नियंताओं का जो आदिवासी एकता परिषद है उनके ऊपर मैं ब्लेम नहीं लगा रहा, लेकिन ये नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या की गैदरिंग करने के बाद जो टीचिंग करवाना चाहिए था, जो युवा है विद्यार्थी है उनका टीचिंग करवाना चाहिए था, उनको सही तरीके से बताना चाहिए था कि हम लोग अनुशासन में रहते हुए डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तरीके से किस तरीके से आगे बढ़े। वहां तो क्या हुआ कि कांग्रेस के भी नेता आए, बीजेपी के नेता आए और बोलकर चले गए। तो इस तरीके से समाज नीति तय नहीं हुई और इसी का परिणाम है कि आज ये जो हम देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा आपने जो आदिवासी इलाके में कोई भी जागरण करते हो लोग कहते हैं ईसाईकरण कर रहे हैं। अब ईसाईकरण कर रहे हैं ऐसा लोग बोल देते हैं, अब इसका क्या जवाब है हमारे पास? हमारी जो नीति, हमारे पूर्वजों की जो पूजा पद्धति है उस पर हमको बात करनी चाहिए थी और उसको समझाना चाहिए था कि भैया हमारी जो पूजा पद्धति है वो दूसरे लोगों की पूजा पद्धति से अलग है, तो हमारे लिए अलग कॉलम होना चाहिए जनगणना में। तो आपका 1900 आपका देश आजाद होने से पहले था, 1951 में इसको थोड़ा सा आंशिक खत्म किया, 61 में बिल्कुल खत्म कर दिया, तो उसके लिए काम करना चाहिए था। तो इस पर किसी ने नहीं बोला और बोलने की कोशिश करता है तो आपने देखा होगा राजपिपला में मैंने ये दो सवाल रखे थे तो लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया। तो हम लोग सही बात आज भी नहीं बोलना चाहते और जो सही बोलता है तो मुंह रोक देते हैं लोग। तो आप सही बोलोगे नहीं, अभी देखो हम सफल होंगे नहीं होंगे ये विषय नहीं है। समाज को सच कौन बोलेगा, समाज को सच बताएगा कौन? और पहली बात तो सच है क्या, उसका पता कैसे लगोगे आप? भंवरलाल परमार ने कह दिया इसलिए सच मान लोगे क्या? नहीं मानना चाहिए आपको। अपनी मेधा शक्ति, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपके विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो प्रकृति सम्मत है, जो पूरे जीव जगत के लिए सही है, उसको मानना होगा। भंवरलाल परमार कुछ नहीं है और दूसरे कार्यकर्ता भी कुछ नहीं है, मैं भी एक इंसान हूं और इंसान से गलतियां भी होती है। ये आदिवासियों ने आज तक नहीं सोचा, इसलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं पहले तो सच क्या है, झूठ क्या है उसका निर्धारण करो, वास्तविकता क्या है, काल्पनिकता उसका निर्धारण करो, न्याय क्या है, अन्याय क्या है उसका निर्धारण करो, उसके बाद एक नीति बनाओ, समाज नीति।
और उस समाज नीति के आधार पर चलना होगा, नहीं तो हम ये जमीन बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष ही करते रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके लोग आपको अंदर कर देंगे। ये तो अंग्रेजों के जमाने में चला था और इतने सालों में हमारे नेताओं ने आज तक कभी नहीं बोला, तो बीजेपी नहीं बोलती है तो कांग्रेस ने कब बोला, चलो कांग्रेस नहीं बोलती है तो दूसरी पार्टी ने कब बोला, जब किसी ने नहीं बोला तो आप लोग अपने बल पे विधानसभा संसद में जाने की तैयारी क्यों नहीं करते, ये कौन सा संगठन कर रहा है? फिर आप कहोगे कि भैया ये तो राजनीति वालों का काम है, हर जगह राजनीति है। आज हमारे में जब मेरा जन्म हुआ और मैं जवान था तब तक पूरे गांव को एक आदमी संचालन करता था, आज एक परिवार को आप एक बाप है तो एक परिवार को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आज मैं एक टीचर हूं तो एक स्कूल में 50 बच्चों को अनुशासित नहीं कर पा रहे और समाज के युवा अनुशासनहीन हो रहे, क्यों हो रहे? आपने सही समाज नीति, हमारे आगे के जो लोग हैं उन्होंने सही समाज की बनाई थी नहीं और युवाओं को बच्चों को किसी को बताई नहीं। ये तो मैं तो कहना चाहूंगा जितने सोशल वर्कर हैं तो सारे राजनीति कर रहे, यदि समाज नीति पर काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। और आज भी हम लोगों को उस तरीके से काम नहीं करना चाहिए जो डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, उस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। इसलिए हम लोगों को जो हक अधिकार मिला है शॉर्ट एंड स्वीट, कई मेरे वीडियो मिल जाएंगे उसमें ये सारी आपको तथ्यपूर्ण जानकारी मिलेगी। अंग्रेजों के जमाने में जब आदिवासी इलाके में अंग्रेज लोग गए तो आदिवासियों ने अपनी संस्कृति, भाषा, बोली, अपना जल जंगल जमाने बचाने के लिए जो अपनी टेरिटोरियल ऑटोनॉमी की वो उसको खत्म किया जा रहा था अंग्रेजों के जमाने में, रजवाड़े और अंग्रेजों के दोनों शक्ति के द्वारा, तो उनको अपोज किया, उनके विरोध में लड़ाई लड़ी और इसी लड़ाई लड़ने की बदौलत हमको 5वीं और 6वीं अनुसूची का अधिकार मिला। इसके लिए आपका 1837 का विल्किंसन रूल पढ़ सकते हो, संथाल प्रज्ञा टेनेंसी एक्ट पढ़ सकते हो, आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पढ़ सकते हो, छोटा नागपुर आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पढ़ सकते हो, इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ सकते हो, चाहो तो 1919 को भी पढ़ सकते हो, साइमन कमीशन को रिपोर्ट दिया वो भी पढ़ सकते हो। इन सारी बातों का निचोड़, इसको क्रमबद्ध मैंने नहीं बोला अभी, वो क्रमबद्ध आप समझ सकते हैं, इसको ढूंढेंगे तो क्रमबद्ध मिल जाएगा, और उन्हीं की बदौलत हमको अधिकार मिला। लेकिन एक गलती रह गई 1951 में हमसे हो गई और वो गलती करवाई गई कि सिलेक्शन का पावर हमारे पास नहीं रहने की वजह से सारी समस्या पैदा हुई है। इसलिए इस बात को जितना जल्दी आदिवासी विचारक लोग समझ लेंगे उतना अच्छा होगा, तो हम लोग हमारे हाथ में सिलेक्शन का पावर कैसे ले इसके बारे में सोचने लगेंगे, ये मेरा कहना है। और दूसरी बात है, हमारी सेपरेट आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए जो हमारा कॉलम था जनगणना का वो खत्म किया गया, उसके लिए भी हमको देखना चाहिए था, और उस पर हम जब काम करेंगे तब हमारी सुरक्षा होगी। बाकी 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची पैसा कानून का हवाला दे करके हम लोग हमारे शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो चुके। जो बात कही भंवरलाल परमार जी ने कि हमें लड़ना तो चाहिए लेकिन संवैधानिक लड़ाई इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो पराग जी उसी विषय पर वापस आते, जैसे अभी परमार जी से हम लोगों ने पूछा कि जो आज का विषय है आजादी पूर्व आदिवासी संघर्ष और मिले हुए अधिकार, तो वही प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ कि इसके ऊपर आपके क्या विचार है? पहली बात तो यह है कि आजादी पूर्व का संघर्ष और इसके बाद मिले हमारे अधिकार, तो मैं ये मानता हूँ कि आजादी की जी जो व्याख्या है आदिवासी के बारे में, इसको हमें पहले समझना चाहिए कि जो आज तक हमारी लड़ाई रही है आदिवासियों की वो अपने स्वतंत्र के लिए रही है। हम जो बात करने जा रहे हैं कि जो आज भी हमको जो मिला है वो संघर्ष से मिला है, जो आज तक जो जो अभी भंवरलाल दादा ने बताया कि जो पूरे जो हमारे
जो कायदे कानून मिले, विल्किंसन रूल्स हो, संथाल परगना टेनेंस एक्ट हो, छोटा नागपुर, ये सब पूरे संघर्ष से मिले हैं। लेकिन हमें आजादी का जो ख्वाब है, सपना है, हम 15 अगस्त के भले आजादी मनाते हैं, लेकिन जो हमारी आजादी होनी चाहिए थी उस तरह की आजादी आज भी नहीं। इसलिए जो बातें हमारे यहाँ कही गई हैं, इसलिए तो पहले हमें पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। जो विचार नीति की हम बात करें उसके लिए हमें इकट्ठा बैठना पड़ेगा, उसके उस हिसाब से हमें नीति तय करनी पड़ेगी। क्योंकि हम दोहरी चीज बात करें, एक राजनीति की बात कर रहे हैं और एक समाज नीति की बात कर रहे हैं, वही एक रूट से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज में आते हैं लेकिन हमारे ऊपर राजकारण और राजनीति बहुत हावी हो जाती है कि हमारे साथ 50-100 लोग इकट्ठा होते हैं, हमें भी खौफ आने लगते हैं कि मैं MLA बनूं, MP बनूं और पूरी व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। तो इसलिए मैं इसी बात पर बोलना चाहता हूं कि जो हम आदिवासी संस्कृति की बात करें, हम स्वावलंबी की जो बात कर रहे हैं, तो स्वावलंबन किस चीज के लिए होना चाहिए, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, और ये जो राजनीति का स्वावलंबन है उसमें भी स्वावलंबन होना चाहिए। क्योंकि हम अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं और इसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ इतने MLA MPA, जैसे हमारा पालघर का सवाल है, तो हमारे MLA भी एक कट्टा ने आके इस बात पर आवाज उठा सकते हैं, तो इस किस तरह की राजनीति है। इसलिए हमें अभी तो हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि हमें लोगों को एक विचार से लाना होगा, क्योंकि स्वतंत्र के बाद इतना पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है कि हम पूरे टुकड़ों में बट गए हैं, उनको पूरा जोड़ना है। अभी लोग बोल रहे हैं कि हम आदिवासी, पहले तो ये चीज कहने के लिए भी लोग शर्मा रहे थे कि हम आदिवासी है, अभी लोग इसका प्राउड फील कर रहे हैं कि हम आदिवासी है। तो ये हमारी एक प्रोसेस चल रही है कि हम आदिवासी के नाम पर इकट्ठा होने की कोशिश करें, तो ये होना चाहिए। और इस देश की जो भी नीति रही आज के दिन भी, कि जो भी कायदे कानून बने हमें सीमित करने के लिए बना गए, हमें कहीं तो भी सीमित करने के लिए कि ये इतना टेरिटोरियल एरिया है, आप यहीं सीमित रहो, अपना ये दायरा है यहीं रहो, जैसे जो भी कानून हो, तो इसके ऊपर आदिवासी होना, यानी कि इसके ऊपर हमें उठ के बात करनी चाहिए कि हम जो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए हमें क्या करना है। तो आदिवासी होना कि हम सिर्फ टेरिटोरी की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम पूरे इलाके की बात करें कि हम ये पूरा इकट्ठा कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं। क्योंकि इतिहास को हम झांकते हैं तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर अन्याय हुआ है या हमें ऊपर लोगों ने आक्रमण करके एक जगह सीमित कर दिया है, तो इसलिए इस सीमा को हमें लांघना है और पूरे देश दुनिया के आदिवासी को इकट्ठा होकर इसके ऊपर विचार करना। हम तो सिर्फ भारत की नहीं बात करें तो पूरे लोगों को, क्योंकि एक जगह नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं चल रहा है, तो पूरे दुनिया में आदिवासी इलाके में यही सिचुएशन है कि आदिवासियों के ऊपर बाहरी शक्तियां किस तरह हावी हो रही, क्योंकि हम ही इकट्ठा नहीं है। मैं किसी के बात के ऊपर नहीं बोलूंगा, लेकिन हमें ये सोचना पड़े कि हम आदिवासी इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक जनजाति में बटे हुए हैं, कोई हर एक संगठन में बटे हुआ है, तो ये विचार से सुलझाया जा सकता है। हमें इकट्ठा होकर उसके ऊपर विचार करना होगा, हमारी नीति तय करनी, जैसे भरलाल दादा बताए कि हमें नीति तय करनी होगी, हमें अपना जो मिशन क्या है, हमें आगे जाके क्या कहाँ पर पहुंचना है, इसके लिए हमें तय करना होगा। कल्चरल तो आइडेंटिटी हमें रखनी होगी, इसके सिवाय हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए, क्योंकि आज के दिन में देश दुनिया में जो चल रहा है वो पूरा आदिवासी के ऊपर ही आकर वापस आने के आ रहा है, इसलिए हमें इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। लड़ाई मतलब हम जो राजनीति की में इलेक्शन की जब बात कर रहे हैं, तो एक मैं ये समझता हूँ एक मशीन बनाई गई है, उसके ऊपर एक एक पुर्जे बैठाए गए कि हमारा रिजर्वेशन भी होता है, तो यहाँ ST का फलाना होना चाहिए, ST का फलाना, लेकिन नीति जो तय होती है उनके हिसाब से होती है, इसमें जाके हमारा कुछ भला होता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हम स्वावलंबन की जब बात करते हैं, हम उस चीज के लिए, ठीक है हम लोकशाही में आ गए सारी चीज है, लेकिन हम जब तक किसी को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम गुलाम नहीं बन सकते। इसलिए मैं आदिवासियत की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पुरखों की रीति रिवाज रहे इसमें हम कैसे जिंदा रह सकते। आज तो पूरा दुनिया ओपन है, कोई आपके ऊपर जुलूम जबरदस्ती नहीं कर सकता है, तो हम अपनी टेरिटरी, जो हमारी परंपरा है, अपनी जो नीति है, उसको हम कैसे लागू करके जिंदा रह सकते, कम से कम बाहरी व्यवस्था पर डिपेंड रह के। क्योंकि ये नीति के लिए मैं स्वावलंबनी की बात कर रहा हूँ कि हमें जब तक हम सरकारी व्यवस्था में जाते हैं तब तक ज्यादा ज्यादा गुलाम बनते जाते हैं। इसलिए हमारी ये सोच है कि हमें अपनी टेरिटरी में अपने हिसाब से कैसे हम जिंदा रह सकते हैं, इसलिए प्रयास करना होगा कि अपनी खुद की सिस्टम होनी चाहिए। क्योंकि हम सब चीजें एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम उसके गुलाम बनते जाते हैं। हमारी भाषाएं खत्म हो रही है, हमारी सारी चीजें खत्म हो रही है, लेकिन इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। हमें ये काम करना होगा, हमारी आजादी बचाने के लिए हमें अपनी भाषा, अपने व्यवहार,
अपनी कल्चर को बचाते हुए इस चीज को आगे बढ़ाना होगा, तब जाके हम इनसे गुलाम नहीं बन पाएंगे, इसके ऊपर हमें ध्यान। नहीं तो हर हम चीज कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चलो हम भी राजनीति करेंगे, हम भी एमएलए बन जाएंगे, एमपी जाएंगे, अब उसमें सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतने सालों का अनुभव रहा है, इतने 1947 से लेके इतने सारी चीजें हम तो आज तक आ गए हैं, लेकिन कोई बदलाव आ नहीं रहा, उतना उल्टा हमारे लोग इसमें ज्यादा खत्म हो जाते हो जा रहे हैं, अलग अलग धर्मों में बटे जा रहे हैं, अलग अलग पंथों में बटे, अलग संगठनों में बटे जा रहे हैं। तो हम पूरा एक बड़ा विचार रखते, पूरे देश के आदिवासी इकट्ठा कैसे हो, इसलिए हम प्रयास करना चाहिए और एक विचार पर आकर हमें नीति तय करनी होगी। ठीक है कि भले जिस आदिवासी एकता परिषद से मैं जुड़ा हूँ और वो सारी चीजें मैंने देखी हैं, तो एक ये एक पहल है, हम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने साल से 24-25 साल हो गए तब जाके लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक ये जुड़ने की प्रोसेस है, अलग अलग विचार के लोग आते हैं, हम एक दूसरे से डायलॉग नहीं करेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो किसी से गिला शिकवा नहीं, तो हम एक डायलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं देश दुनिया के अंदर, अभी उसका है हम आगे जाके आदिवासी समन्वय मंच भारत के माध्यम से पूरे देश के जितने संगठन है उनसे जोड़ने की कोशिश, क्योंकि जैसे 9 अगस्त है, अभी 13 सितंबर आया, ये जो इंटरनेशनल इशू है उनको हम कैसे एक प्लेटफॉर्म रख के, प्लेटफॉर्म में आके इसमें डिस्कशन करके हम जुड़ कैसे सकते, इसलिए ये प्रयास चल रहा है। मैं वही समझता हूँ कि हमारे जो, मैं स्वावलंबन की वापस वापस बात कर रहा हूँ कि हमें विचार से भी स्वावलंबी होना चाहिए, क्योंकि हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई रहता है और हमने ये देखा है। तो इसलिए संगठन भी आदिवासी के नाम से होते हैं लेकिन उसके पीछे और कोई लोग होते हैं, तो इसलिए आदिवासी का जो एक विचार है, हम आदिवासी लोग इकट्ठा कैसे हो, इसलिए ये प्रोसेस चल रही है और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, थोड़ा विचार में ऊंच नीच होगा, कोई यहाँ वहाँ होगा, किसी के कुछ एम्बिशंस होंगे, लेकिन हमें डायलॉग के लिए एक जगह चाहिए, इसलिए हम समन्वय मंच भारत के माध्यम से, आदिवासी एकता परिषद सम्मेलन के माध्यम से साल में एक बार इकट्ठा आने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोगों से अपनी बात समझ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग संगठन के लोग इकट्ठा आते हैं, थोड़ा बहुत हमारी पहचान होती है। तो यही चीज आदिवासी एकता परिषद आगे लेके जानना चाहती है, अपने अपने क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो एक कैसे हो, इसलिए आदिवासी एकता परिषद का एक विचार है। और वही बात मैं दोहराता हूँ कि हम स्वावलंबन के ऊपर ध्यान दें, कि अपने अपने खेती में, अपने अपने गाँव में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना धान, ये सारी चीज कैसे बचा पाएंगे और आगे पीढ़ी को हम कैसे उसका अपनी विरासत दे पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी चीजें हैं लोग हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का कुछ होना चाहिए, इसके ऊपर आदिवासी इंटेलेक्चुअल कैसे काम करे, इसलिए अपना ये प्रयास है। तो ये जो हम आजादी के बात कर रहे हैं, रियल में हम कानून के अंदर फंसते जा रहे हैं, पैसा भी आया, इसलिए मैं उसका वेलकम नहीं करता हूँ, ये हमें भी उसको बंदिश बना गया है, ये करना है, फलाना करना है, जो अपना आदिवासी का फ्रीडम है उसमें वो दबता जा रहा है, हम उस हिसाब से, क्योंकि ये सरकारी काम करना है, ये कागज लाना है, वो कागज लाना है, अब आदिवासी भी एक कागज का आदमी बन गया है कि आपको ये दाखला देना है, वो दाखला देना है, असल में हम है, हम बोल रहे हैं लेकिन उसको मान नहीं रहे, हमसे दाखले मांग रहे हैं कि आप आदिवासी असल में हो, जो है नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जो गैर आदिवासी हमसे बोल रहा है कि आप आदिवासी का दाखला लाओ, तो ये चीज कब तक चलेगी। इसलिए हमें जो हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने गाँव संभालने होंगे, वहां जब तक हम अपनी संस्कृति, अपना जो रहन सहन नहीं बचाते, तो इसके बाकी की व्यवस्था से भी हम लड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो हम उनका स्वीकारते जाएंगे, हम अपनी उनके ही गुलाम होते जाएंगे। तो ये चीज के लिए हमें होना चाहिए कि अपनी हर जो 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 भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसे हम अपने डायलॉग करना चाहिए, और ये विचार से, मैं समझता हूँ कि विचार से, आदान प्रदान से, संवाद से बहुत सारी चीजें हम सुलझा सकते हैं। तो ये प्रयास चल रहा है, क्योंकि भले कुछ काम पुराने लोगों ने इतना 25-27 साल में, हमें लोगों ने जुड़ने का काम किया है, क्योंकि हम ही सोचते कि हम महाराष्ट्र में हैं तो हम आप पवरलाल भंवरलाल जी से मिल पाए तो वो भी हम सम्मेलन में आके ही मिल पाए, तो एक ये प्रयास है कि हम झारखंड के लोगों से मिल पाते हैं, हम राजस्थान के, तो ये एक चल रहा है, एक प्रयास है कि हम इकट्ठा कैसे हो, नहीं तो हम भी नहीं जान पाते कि भंवरलाल दादा कौन है, तो हम आके जाके पहचान पाए, तो एक ये प्रोसेस है, एक चलने वाली चीज है, तो हम युवा है, हम उसको आगे लेके जाएंगे, तो प्रोसेस तो चलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। हेलो, हाँ हेलो, हेलो हेलो, हाँ जी हेलो,
हाँ आवाज आ रही है, बोलिए आप कुछ कहना हेलो। चाहते हैं। हाँ हेलो, हाँ मैं जैसा भैया ने बहुत अच्छी। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी। तो भैया ने बहुत अच्छी बात बताया हमारे ग्राम स्वावलंबन के बारे में और समन्वय भारत मंच के बारे में और आपका आदिवासी एकता परिषद के बारे में। बेशक हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग जिस तरीके से समाज को धीरे 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 जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहिए हम लोग बिल्कुल आगे बढ़े हैं, नो डाउट उसमें। लेकिन कुछ चीजें इसमें आवश्यक संशोधन करना जरूरी है। वो जरूरी यही है कि जो मैंने हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो बहुत सीनियर लोग हैं, उनको हम लोग कई कार्यक्रमों में जा करके, बिल्कुल व्यक्तिगत कार्यक्रमों में जा करके बोलना भी है, और वो संशोधन ये करना है हम लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और संविधान के 5वीं अनुसूची के बारे में कम से कम 1 घंटा अच्छी टीचिंग करवाने वाला आदमी हमारे कार्यक्रम में होना चाहिए, भले वो रात को हो चाहे दिन को हो। यह हम लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत सारे, जैसे यह अभी हमारे जमीन को लेकर के जैसे पालघर में जो नौबत आ रही है, उस तरीके की बहुत सारी बातें होती है। तो हम लोग जैसे अंग्रेजों का जमाना अलग था, आपका रजवाड़ों के टाइम का, मुगलों के टाइम का जमाना अलग था, उस समय का रूल्स अलग थे, आज जमाना अलग है। तो आज के जमाने का जो शासन व्यवस्था है देश में, जो लोकतंत्र लोकतांत्रिक सिस्टम से चलती है, तो हमारी आवाज है उसको हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से कैसे रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि हम लोग बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट लड़ा, आपका टंट्या भील ने जो मूवमेंट लड़ा, या हमारे मानगढ़ का जो जनजागरण हुआ, आपका संघर्ष हुआ, उस तरीके से हम लोग आज काम नहीं कर सकते। ये हमको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। आज जो देश में जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप या व्यवस्था के सहारे चल करके हमको काम करना चाहिए। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि जो समाज नीति पर काम करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अलग होने चाहिए, और राजनीति के लिए काम करने वाले लोग हैं वो अलग होना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे, हमारे इधर भी कई बार लोग हमारे ऊपर ऐसे आरोप मढ़ देते हैं। लेकिन मेरा 100% मत है कि मेरी जिंदगी में मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही राजनीति के बारे में मेरा कोई ओपिनियन रहेगा। लेकिन समाज नीति जो हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे पुरखों के अनुरूप है, पुरखों से एक भी इधर उधर बात नहीं है, वो पुरखों का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुरूप हम जो समाज नीति को डेवलप कर रहे हैं, उसको राजनीति वाले लोग बोले, ये हम अपेक्षा करते हैं। और ये अपेक्षा कब सफल होगी, फलीभूत होगी, जब समाज नीति वाले लोगों का दबाव पॉलिटिक्स वाले पर होगा। आजकल आपने देखा होगा हमारे इस इलाके में जिस तरीके से 2 MLA हमारे द्वारा सिलेक्टेड होकर के आपका विधानसभा में गए, तो वहां उन्होंने बात रखी, और बात रखने की वजह से जो प्रमुख पार्टी के लोग हैं वो लोग भी बोलने लगे, आखिर वो भी तो हमारे भाई है। वो भले आजकल हमारे विरोध में बोल रहे हैं वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन विधानसभा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें पिछले दिनों उन्होंने बोली, तो वो उपलब्धि अपनी इस तरीके का मैं समझता हूँ किसी भी राज्य में नहीं हुआ। तो वो देखो धरातल पर तो जहां इनका एक एरिया पड़ता है वहां पर तो भी टकराएंगे, लेकिन जहां समाज की एकता दिखाने का मामला है विधानसभा में, वहां एक तरीके से बोलेंगे हमको विश्वास है। तो वो चीजें यदि देश भर में होती है तो वो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हम लोगों को बहुत टेक्निकल तरीके से, जो बातें मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता कि हम लोग किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से हमारे जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं उनको हम गाइड करते हैं, वो हमारी बात माने या न माने वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी नीति तो तय होनी चाहिए। वो डरेंगे तो आपसे ही डरेंगे, किस क्यों डरेंगे कि यदि हम लोग ये जो कह रहे से काम नहीं करेंगे तो हमको ये लोग आने वाले समय में नकार सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि यदि आप केवल समाज के लिए काम करोगे और आपका 100% आप समाज नीति के लिए काम नहीं करोगे, तो आपके ऊपर आरोप पड़ दिया जाएगा कि आप चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को ध्रुवीकरण लोगों का होगा, तो राजनीति वाले मक्खी के समान आपके पास मंडराते हुए आएंगे। तो उस समय में हमारे देश भर में जितने भी सामाजिक संगठन है वहां ये फेल हो गए, हमारे डूंगरपुर में भी ये हुआ। आज तक जितने संगठन, हमको तो ये संगठन का तरीका है वो विरासत में मिला है। देश आजाद होने से पहले भी यहाँ
बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक काम करने वाले लोग थे, देश आजाद होने के बाद भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैं तो चौथी पीढ़ी में हूँ भैया, मेरे आगे जितने लोगों ने काम किया उनका अनुभव का लाभ मिला और मैं तो उनका अपना सब गुरु मानता हूँ। इसलिए हम लोगों को जो हमारे आगे लोग जो काम कर रहे हैं उन्होंने क्या आपका गलतियां किया, वो गलतियां हमारे जनजागरण में या हमारे काम करने के तरीके में नहीं होनी चाहिए, यह कहना चाह रहा हूं मैं। यदि हम इस तरीके से काम करते हैं तो हम सफल होंगे। जहां तक बात है आज की तारीख में हमारी जो कॉरिडोर की बात हो रही हो, एक्सप्रेस वे की बात हो रही हो, बुलेट ट्रेन की बात हो रही हो, हमारे बांसवाड़ा में आपका ये क्या कहते हैं परमाणु बिजली घर की बात हो रही हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस तरीके उसमें हम लोग हमारे पूर्वज जिस तरीके से संघर्ष किए उस तरीके से हम आज काम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। आज देश में जो संविधान के अनुरूप जो व्यवस्था बनी हुई है, लोकतंत्र के अनुरूप जिस देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, संसदीय प्रणाली जो बनी हुई है, न्यायिक प्रणाली जो बनी हुई है, उसके अनुरूप हमको चलना पड़ेगा। इसके लिए हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। जो बात हमको एकेडमिक एजुकेशन में नहीं दी जाती, एकेडमिक एजुकेशन का मतलब स्कूलों में पढ़ा नहीं पढ़ाया जाता, वो सामाजिक शिक्षा हम लोगों को संगठन के द्वारा देनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग आदिवासी परिवार को सामाजिक शिक्षा देने वाला विश्वविद्यालय बोलते हैं जो चलता फिरता है, और वो कोई आदिवासी एकता परिषद से बड़ा नहीं है, न छोटा है। हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये कोई संगठन नहीं है, ये प्लेटफॉर्म बनाया है, एक बैनर बनाया है जिस पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और अभी कोरोना काल की वजह से हम लोग अब तो कार्यक्रम भी नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पर छोटा मोटा कामकाज करते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने बता दिया अभी तक उसी के आधार पे बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। अभी तो हम तरीका सिखा रहे हैं लोगों को कि हम लोगों को किस तरीके से सिलेक्शन का काम करना चाहिए, यह हम लोग तरीका सिखा रहे हैं, और वो तरीका केवल ग्राम पंचायत लेवल पर हम समझा रहे हैं। तो जैसे मेरे भाई अभी ये सर ने बोला, पलघर वाले भैया ने, कि हमको ग्राम लेवल पर स्वावलंबन के लिए काम करना चाहिए, वही चीज आदिवासी पूरे देश भर में एक तरीके से काम कर रहा है। बस गलती एक ही जगह हो गई है, हमने हमारी टॉप टू बॉटम तक समाज नीति क्लियर नहीं किया, और क्लियर किया तो वो अधूरी है, वो बिल्कुल अपराजय नहीं है, वो कहीं कहीं आगे जाके क्रॉस हो जाती है। हमको समाज नीति अपराजय बनानी पड़ेगी। हमारे पूर्वज आपका हमारी जो समाज व्यवस्था हमारी संस्कृति है उसके आधार पर अपराजय थे, लेकिन जो आपका देश आजाद होने के बाद में हम लोग इस राजनीति के चक्कर में फंस गए, वहां हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया इसलिए हम राजनीति के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं यार राजनीति गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। जो राजनीति में करने वाले लोग हैं उनको हम लोगों को किस तरीके से गाइड करें। हमारे यहाँ के कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, भले वो हमको गालियां देते हैं लेकिन हम उनके बारे में भी गलत नहीं सोचते। और गलत क्यों नहीं सोचते, क्योंकि उनके पास इतनी ही जानकारी, तो क्या करेंगे बेचारे। अब क्या है कि उनके जमाने में कोई ऐसा सामाजिक संघ यूनिट नहीं बना जिस जो उनको गाइड करता। अब वही लोग हैं जो लोग आपका पहले कुछ समय पहले थे, अब की बार में हमारे जनजागरण की वजह से विधानसभा में अच्छे से बोले, भले वो कैसे भी बोले, यहाँ ग्राउंड लेवल पर जहां हमारा एरिया है वहां पर आकर के भले वो लड़ जाते हैं लेकिन वहां तो अच्छा बोलते हैं। तो एक राज्य में आदिवासियों की सही आवाज विधानसभा में जाकर रही है, ये बात तो थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता भैया, एक प्रोसेस है। आप पांचवी तक पढ़ा सकते हो समाज को, आठवीं तक पढ़ा सकते हो, लेकिन आप पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सकते। और कई हमारे सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, मेरी जिंदगी में मैं सारा पढ़ा दूं, ऐसा संभव नहीं है। आपका दिमाग जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से पीछे वाले कहां तक सीखे। मैं एक कदम ही बढ़ाता हूं आगे, मेरे पीछे वाले जो लोग हैं वो मैं जितना बोल रहा हूं वो बोलने काबिल हो जाते तब एक कदम बढ़ाता हूं। जैसे आपका आकाश में जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं वो बतकों को आड़ बोलते हैं, आड़े जिस तरीके से आपका चलती है उस तरीके से लीडर लोगों को चलना चाहिए। अभी हम लोग बहुत सारी ऐसी बात बोल देते हैं जो आम लोगों के समझ से परे होता है, जब आम लोगों के समझ से परे होता है तब वो आपको फॉलोअर्स बन सकते हैं, आपके अनुयायी बन सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं बन सकते।
तो हम लोगों को कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहिए। कई सामाजिक कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि ये कार्यकर्ता मेरे से छोटा है, वो मेरे बराबर हो गया तो मेरा क्या होगा, जबकि सोचना क्या चाहिए, वो कार्यकर्ता मेरी से छोटी उम्र का है, वो मेरे से भी आगे जाए, ये होना चाहिए। और मैंने मेरे पिछले 5 साल में जो ये हम लोगों ने देखा है, हमारे लोगों को बहुत उतावलापन है, वो ये चाहते हैं कि हम इसी जिंदगी में चांद पर घर बसा लें, इतने उतावले हैं आदिवासी और इसलिए फेल हो जाते हैं। उनके हाथ में थोड़ा सा कुछ आ गया तो वो समझ बैठते हैं नहीं हम तो सब कुछ कर लेंगे, इसी 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 गलत फहमी की वजह से हमारे पूर्वजों का वो लॉस हो गया। हम लोगों को संगठित तरीके से, अनुशासित तरीके से, मर्यादित तरीके से और सिस्टम के अनुरूप काम करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण के लिए काम नहीं करना, काम तो करना ही चाहिए लेकिन आपका पूरे जीव जगत के निर्माण के लिए काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो आदिवासियों की नजर में राष्ट्रवाद क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय भावना क्या होनी चाहिए, इस पर भी हमको क्लियर करना चाहिए। इसलिए हम लोग इधर हमारे भाइयों को कहते हैं कि हमारे साथ जी रहे सभी जीवों को कल्याण के लिए काम करना ही हमारी राष्ट्रीय भावना है, हमारे राष्ट्रवाद है हमारा, हम तो ऐसा बोलते हैं। और इस तरीके से आप समझते हो तो आप देश की सीमा से नहीं पूरे जीव जगत के लिए काम करने वाले बनते हो, भले वो दुनिया तो आपको कुछ भी कहेगी, आप कितना भी अच्छा काम करोगे आपके चरित्र पर लोग उछालेंगे, गलत बोलेंगे, लेकिन आपका काम है सही रास्ता निकालना। वो क्या बोलते हैं वो उनको छोड़ दो, वो जाने। इसलिए भैया हम लोगों को हमारी नीति तय करना होगा, पूरे देश भर के आदिवासियों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप समाज के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पहले बनो। ये जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से एक राज्य में 10 से 15 लोग हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि हमारी बहुत सारी समस्या सोल्व हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपका थिंक है, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो आप पर डिपेंड करता है, आप ही इसका आकलन करिए। मैं कभी ये नहीं कहता मैंने कह दिया वो फाइनल है, आप उसका अपनी मेधा शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति, अपने दिमाग से, अपने विवेक से आप सोचिए कि क्या ये मैंने बोला वो सही है, या यदि गलत है तो आप हमको सलाह दीजिए कि भैया इसको ऐसा किया जा सकता है। ये बात मैंने इतनी बात बताई, अब आगे से दूसरा सवाल करिए। बहुत सही बात कही दादा आपने, और जैसे कि हम लोग बात कर चुके कि हम लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए और लड़ाई संवैधानिक होनी चाहिए, उसी के साथ साथ फरार सर जी ने बोला कि उसमें स्वावलंबन होना चाहिए, किसी के साथ हम अपनी लड़ाई जी, जी। नहीं रख सकते, हम लोग को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, स्वावलंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जो मेरा अगला प्रश्न है वो फरार सर आपसे है, काफी बार ऐसा होता है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, एक हमारा ये गुण भी रहा है कि हम लोग में थोड़े से जो दूसरे समाज के सामने जाते हैं तो थोड़े डर जाते हैं, या फिर आजकल ऐसा है कि हमें हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसकी मालूमात नहीं है। तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार क्या है और उनकी ताकत क्या है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं पराग सर। विषय आदिवासी के ऊपर है इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले हमको खुद को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं आदिवासी हूँ, ये पहली पहचान हमें अपनी बनानी पड़ेगी, तब जाके हम दूसरों की बात करेंगे। तो मतलब चीज ये हो रही है कि हम खुद को नहीं पहचान पा रहे कि हमारी खुद की ताकत क्या है, इसलिए हम लोगों से डरने वाली तो बात दूर है, जब हम खुद को समझ जाएंगे तो संविधान अधिकार तो बात दूर की है, लेकिन मेरी समझ ये है कि पहले हमको खुद को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है धरती पर, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, इस धरती पर, तब छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ समान है, जब हम इंसान ही है तो उससे बाहर के लोगों से डरने की कोई बात भी नहीं है, तो वो भी हमारे जैसे इंसान है, तो हम अपनी खुद के अंदर की जो आग है या हम की ज्वाला है, जो हम खुद का जो एक आइडेंटिटी है आदिवासी लोगों की, वो हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों से थोड़ा डर कर बात करते हैं। इसलिए देश का कोई भी बड़ा आदमी हो या जो भी पद और अहदे से होगा, लेकिन वो इंसान ही है, तो हमें पहली तो हमें इंसानियत के ऊपर बात करनी पड़ेगी, तभी जाके हम संवैधानिक अधिकारों की, क्योंकि ठीक है जो कुछ भारत का संविधान बना भी है तो इसमें जो अधिकार दिए हुए
जो भी हम अधिकारों की या कायदे कानून की बात कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन वही मैं पहली लाइन में भी बोला हूँ कि हम आजादी की बात कर रहे हैं तो हम आजाद हैं, तो जब तक हम दूसरे का स्वीकार नहीं करते तब तब हम आजाद हैं। हम जब जैसे दूसरों का स्वीकार करें, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारे जो कुछ मेंबर रहे हैं इनकी ज्यादा राय नहीं ली गई, उनको जो चाहिए था उस हिसाब से हमारे ऊपर थोपा गया है उनको। मैंने भी बोला कि जो भी कानून बनते हैं मेरे नजर में, जो भी सरकारी इसमें कानून बनते हैं वो हमें सीमित करने के लिए होते हैं, हमारे ऊपर रूल करने के लिए कानून बनते हैं, ना कि हमारे फायदे के लिए। क्योंकि आप इस लिमिट में रहो, हम आजादी की बात करते हैं तो हम पूरे दुनिया की बात करते हैं, हम धरती के इंसान हैं, ऐसे हम कोई हमारे हमें कोई देश की या धर्म की सीमा नहीं रोक सकती। तो मेरे हिसाब से जो भी कानून बनता है, जो संविधान के दायरे में हो, जो भी हो, वो इस तरह से कि हमारे ऊपर रूल करने के लिए कानून बनता है कि एक लिमिटेशन, हम जब एक्सेप्टेशन में जाते हैं, हम स्वीकारने के लिए जाते हैं। जैसे हम पैसा की बात कर रहे हैं, हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है ग्राम सभा किस हिसाब से होती है, जो गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं उस हिसाब से ग्राम सभा होती है, ना कि आदिवासी को, कि उनके ऊपर उनकी जनजागृति ही नहीं कि ग्राम सभा किस तरह की होनी चाहिए। अब एक टूल बना गया है कि आपको कैसे लिमिट में रखें, तो इसलिए हमें इसके परे होकर काम करना चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल की भी हम बात कर रहे हैं, एक ये टूल है हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए, ये पूरा हथियार नहीं है, एक सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हम इस दायरे में रह के सरकार के साथ कुछ डिबेट कर सकते हैं कि ये टेरिटोरियल एरिया हमारा है और ऐसे ऐसे आपने लिखा हुआ है जो हमारे पुरखों ने लड़ाई की हुई है। जैसे हम आजादी की पूर्व की बात करें, क्योंकि 1874 में जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बना, ये ऐसे ही नहीं बना, क्योंकि हर बार अंग्रेज हमसे लड़ते लड़ते थक गए थे कि भाई छोड़ दो इनको, अपने हिसाब से जीने दो, अपने तो हमें और रेवेन्यू जमा करना है पूरे देश में, यहाँ यहाँ लूट मचानी है, तो हम हर दिन आदिवासियों से लड़ते बैठेंगे तो हम अपना काम करना भूल जाएंगे। इसलिए हमने जो अपना शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जंगलों में जाके कोई फायदा नहीं है, जितना हमसे बनता है उतना हम ले लेंगे, बाकी इनको छोड़ देते हैं, बाकी जगह पे हमें राज करना है। तो ये संघर्ष की बात वहां से शुरू हुई, जैसे दादा ने बताया कि हमारा जो मुगलों के बाद बक्सर की लड़ाई हुई, बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो कुछ संधि हुई उसके बाद में जो, लेकिन आदिवासी इलाकों में सतत से इसका संघर्ष रहा है कि हम अपनी टेरिटरी नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। ये जो लड़ाई चली उसके बाद में सबसे बड़ी लड़ाई जो संथाल का हुल जो हुआ है, ये सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जब सिद्धू ने डिक्लेयर कर दिया था कि अभी विक्टोरिया रानी का राज खत्म हो गया है, हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से वो त्रस्त हो गए थे। और उसके बाद में जो आगे मूवमेंट चला, मुंडाओं का मूवमेंट चला और एक बड़ी मूवमेंट जो बिरसा मुंडा के हिसाब से आगे जाके चली, इसी के सीएनटी एक्ट बना, फिर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना। तो ये संघर्ष में हमें मिला है, क्योंकि हम अभी संविधान के दायरे में है तो हम सारी चीज बोलते हैं। मैं वापस इसी चीज पर जा रहा हूँ कि हमें इसी संविधान के दायरे में रह के हमें अपनी जो पुरानी स्वावलंबन व्यवस्था है उसको पुनर्जागृत करना होगा, हमारी जो सिस्टम है उसको, क्योंकि हम हर कायदे कानून के हिसाब से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है हम पुलिस थाने में चले जाते हैं, तो हम सरकार के पास ही जाते हैं। अपना झगड़ा हमें गांव में सुलझाना चाहिए, हमारे पंचों में बैठ के सुलझाना चाहिए। तो जो ये व्यवस्था जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम उनके ही पास जाएंगे और उनके ही घेरे में घिरते जाएंगे। इसलिए ये मेरा कहना है कि ठीक है कानून के अंदर कुछ बातें होगी, लेकिन हमें पहले आदिवासी बनना होगा कि आदिवासी लोग हमारे किस तरह से जिंदा रहते थे, क्योंकि ये संविधान आने से पहले भी हम यहाँ पर इस धरती पर जिंदा थे और अपने हिसाब के, अपने कानून के हिसाब से जिंदा थे कि हमारी सिस्टम। मैंने कल ही एक बात बहुत बड़ी इसका मैं थिंक कर रहा था इसके बारे में कि पंच व्यवस्था जो आदिवासी की है, क्योंकि कायदा कानून आदिवासी पहले से जानता था, एक अकेला कोई डिसीजन नहीं लेता था। तो हम आज की व्यवस्था जो जुडिशियली सिस्टम है उसके भी बात करेंगे तो हम नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो वहां अकेला ही जज बैठता है, वो जजमेंट देता है। हम आगे वाले स्टेट कोर्ट तक जाएंगे, हाईकोर्ट तक, तो वहां कुछ लोगों की खंडपीठ होता है, वो बेंच होती है। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जब अहम फैसला लेना होता है, तो वहां पंच सिस्टम ही बैठता है। जब वो 5 लोगों का बेंच हो 9 लोगों का बेंच हो कि फिर वो अपनी ट्राइबल की जो आदिवासी लोगों की जो सिस्टम है वही फॉलो करते। लास्ट में जब बहुत अहम फैसला देना होगा तो 9 लोग 5 लोग इकट्ठा बैठ के वो जजमेंट देते। तो वो हमारे सिस्टम है जो पुरखों से चली आ रहे। तो मैं इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमारी जो पुरानी सिस्टम रही इसको हम कैसे पुनर्जीवित करके, जो गांव के मसले हैं गांव में कैसे, क्योंकि हम पुलिस थाने में जाएंगे, उधर जाएंगे, फलाना जाएंगे, तो हम उसकी सिस्टम में फंसते ही जाएंगे। हम आजादी की बात करते हैं क्योंकि हजारों साल से, आज मैं वही वापस उसी चीज पर आता हूँ कि कोरोना का काल चल रहा है, सबसे सुरक्षित इलाका है जो ट्राइबल इलाका है, आदिवासी इलाका है। क्यों?
क्योंकि उनकी खुद की सिस्टम रही है, क्योंकि हम एक हम शहरी इलाकों की बात करते हैं, उनके पास करोड़ों पैसा है लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकते पैसे के बलबूते पर। हम सिर्फ आदिवासी लोग जो जमीन से और जंगलों से जुड़े हैं वो हम जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे खेतों से उगा हुआ धान है, हमारी जंगल है। तो इसी पर मैं गौर कर रहा हूँ कि यहाँ धरती पर आके किसी के ऊपर हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी, हमें अपनी जिंदगी जीने है। तो हम जिंदगी किस तरह से पहले से जीते आ रहे हैं, जब जब यह हम अभी तो हम आजादी की बात कर रहे हैं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आजादी से पहले या जब ये मुगल नहीं थे या अंग्रेज नहीं थे तो हमारे पुरखे कैसे इस धरती से जीते आ रहे, उस सिस्टम को हमें जिंदा करना होगा तो हम जाके इस व्यवस्था से लड़ाई कर पाएंगे। नहीं तो हम बोलेंगे मैं भी MP बनना चाहता हूँ, मैं भी MLA बनना चाहता हूँ, विधानसभा में जाके कुछ बात करना, इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। इतने साल से एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है, इसलिए जो संविधान अधिकार है मैं यही समझता हूँ कि जो भी कानून आदिवासी के लिए आता है वो सिस्टम इसलिए बनाती है कि हम आदिवासी इलाके ऊपर राज कर सके, क्योंकि पैसा भी आया है, ग्राम सभा भी आया है, क्योंकि हमें मालूम है किस तरह से ग्राम सभाएं होती है, क्योंकि किसी चीज का पट्टा चाहिए होता है कहाँ पर खदान होनी चाहिए तो झूठे ग्राम सभा बनाकर उनको यही दिखाना होता है कि हमने कंसेंट लिया है ट्राइबल से और हिसाब से हम वहाँ खदान करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो उनको जो चाहिए होता है उस हिसाब से करने की कोशिश कर देते हैं। तो इसलिए हमें उसी बात बोल रहे हैं कि एक टूल है कुछ कुछ जो 5th शेड्यूल है, ये सारे टूल है, जब हम जो इकट्ठा आने की कोशिश कर रहे हैं ये टूल है, सारे टूल को हम यूज करके इस लड़ाई को आगे किस तरह से लेके जाएं इसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। तो जो भी ठीक है, वहाँ परमा दादा के वहाँ कुछ 2 MLA उन्होंने चुने हैं तो ठीक है, बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही सोच वाले लोग भी हमें पैदा करने होंगे जो वहाँ जाके बात करेंगे, तो ये भी चीज है। इसलिए सारी जो जो टूल्स है हम आदिवासी के जीवन किस तरह से सरल बना सके इसलिए हमें निश्चित प्रयास करना पड़ेगा इस चीज के लिए। बहुत सही कहा आपने, और कि हम लोग को अपने संवैधानिक अधिकार तो पता होना चाहिए तभी जो हमारा जो डरा सहमापन है वो कम हो जाए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन है इस देश में, तो तब हम में वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरा जो अगला प्रश्न है भंवरलाल परमार जी आपसे है कि आप ने जैसे शुरुआत में कहा कि आप राजस्थान और उसके उस एरिया में जन जागृति का भी काम करते, तो एक चीज ऐसी है कि हमारे समाज को जो हमारे क्रांतिकारी है उनका जो संघर्ष है उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, या फिर अभी पता चल रहा है लेकिन उनका योगदान क्या था हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए, वो पता नहीं है। तो इस विषय को आप कैसे रखेंगे हमारे समाज के सामने, हमारे क्रांतिकारी उनका संघर्ष और उन संघर्ष के वजह से जो हमें अधिकार मिले हैं इस चीज को। जी अभी सर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, 2012 में हम लोगों ने बिरसा मुंडा का जयंती मनाया, तो हम लोग अखबार में देने के लिए गए प्रेस नोट, तो वो व्यक्ति ने जो अखबार वाला था उसने पूछा था कि ये फिर किसको लेके आ गए, है ना, ये किसको लेके आ गए, ये अखबार वाले का कमेंट था। 2012 की बात करता हूँ, आज उस जमाने में आपका हमारे आदिवासी लोग बिरसा मुंडा कौन था इसके बारे में भी नहीं जानते थे, और आज की तारीख में क्या हो रहा है कि बिरसा मुंडा कौन था, सिद्धू कौन कान्हू फूलो जानो, आपका चांद भैरव, ये छो भाई बहन कौन थे वो सब जानते हैं लोग, है ना, टंटिया भील कौन था वो जानते हैं। तो इस तरह, और वो भी केवल जानते नहीं है, वो आपका सन सहित जानते हैं कि इस सन में ये पैदा हुए थे। इस तरीके से हम लोगों ने हमारे पूर्वज हैं जो इन्होंने हमारे समाज में जो संघर्ष किया उन सभी पूर्वजों का इतिहास के बारे में जितना बताना चाहिए था उनकी समझदारी के लिए उतना बताने का कोशिश किया। और दूसरी बात है, 2013 में हम लोगों ने सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस मनाया, तो हमारे यहाँ के जो बहुत वरिष्ठ लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे वो लोगों ने, मैंने जिद किया कि नहीं यार हम लोगों विश्व आदिवासी दिवस दुनिया ये दूसरे इलाकों में मनाते हमको भी मनाना चाहिए, तो मनाया। अब इसके बाद में क्या हुआ, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनको विश्व आदिवासी दिवस के बारे में नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को बोलने के लिए प्रेरित किया। अब मेरे पास भी उतनी जानकारी नहीं थी पर लेकिन जितनी थी उतनी मैंने बताने की कोशिश किया, तो इसके बाद में उन्होंने, मैंने बोला उसके आधार पर उन्होंने बोला। इस तरीके से हमने 2013 में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया, और इसके बाद में 2015 से हमने मानगढ़ और हमारे इलाके में 2-4 जगह हमने कार्यक्रम किए, और इसके बाद में इस तरीके का
कहने का मतलब जन जागरण का अभियान चल गया, एक तरीके से लोगों ने अपने सर पे ले लिया। और इस साल गवर्नमेंट ने पूरा राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दिया, और कोरोना काल होने की वजह से लोगों ने यह बोला कि नहीं हमको कार्यक्रम करना ही है। हमने बिल्कुल अनुशासित तरीके से काम करने के लिए एडवाइजरी जारी किया और उनको बार बार प्रेरित किया, नहीं कोई भी कार्यक्रम में हम भी नहीं जाएंगे, कोई बड़ा कार्यकर्ता भी जाएगा, आपको अपने अपने ग्राम पंचायत मनाना है। और आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोग विश्वास नहीं कर सकते इतना बड़ा हमारे इलाके में काम हुआ और लोगों ने इतना बड़ी संख्या में पौधारोपण किया और हमने पूरा सप्ताह विश्व आदिवासी दिवस मनाया। उसमें हमें एक दिन केवल महुआ पौधरोपण का रखा था। मैं समझता हूँ हमारे जो जनजागरण का एरिया है 5-7 हजार लोग पेड़ पौधे लोगों ने रोपे होंगे। ये प्रकृति के लिए एक आपका इस जीव जगत के लिए बहुत अच्छी बात हुआ। अब इसमें से 1000 भी पौधे जिंदा रह जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगा। इसके बाद और बहुत सारे हम लोगों ने प्लानिंग बनाया था तो उसके अनुसार काम हुआ। तो कहने का मतलब मैं पहले से बता रहा था कि हम लोग एक झटके में सब कुछ नहीं सिखा सकते। जिस तरीके से मैं एक टीचर हूँ तो एक शिक्षक है वो जानता है कि बच्चे को पहले क्या सिखाना चाहिए, फिर आगे क्या सिखाना चाहिए, आगे क्या सिखाना चाहिए। उस तरीके से हमें क्रमश पढ़ाते रहना चाहिए, सिखाते रहना चाहिए। और हम लोगों ने हमारे महापुरुष के जो जन आंदोलन थे उनके बारे में क्रमश बताया। लेकिन यहाँ एक बात और मैं एडिट करना चाहूंगा फिर से कि वो 1950 से पहले हमारे पूर्वजों का जो काम करने का जो तरीका था वो तरीका आज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज हम लोगों को आज की जो व्यवस्था है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। जैसे भैया कह रहे हैं कि हम लोग जितना उस सिस्टम में फंसेंगे हम लोग उतना एक्सेप्ट करते जाएंगे तो हम लोग गुलाम होते जाएंगे। ये बात भी काफी हद तक सही भी है। लेकिन अब इस परिस्थिति में जैसा हमारे पूर्वजों का जो न्याय प्रणाली थी हमारे इलाके में, हम लोगों ने पिछले ये कल परसों 27 तारीख को हम लोगों ने ग्राम सभा, सामाजिक ग्राम सभा बनाने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। अब उस सामाजिक ग्राम सभा में 5 काम करने के लिए हमने अभी लोगों को बोला। और वो क्यों बोला कि इस गांव की एकता टूट गई, परिवार की एकता टूट गई, कुटुंब की एकता टूट गई और सारे लोग छोटा सा झगड़ा हो गया थाने में चले जाते हैं और थाने में चले जाने के बाद में वो रिपोर्ट लिखवाते हैं और वहां के पुलिसकर्मी या जो आपका वकील होते हैं वो इस तरीके से सामने वाले आदमी फंसाने के लिए झूठ मूठ पे इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जो हुआ ही नहीं था। हमारे इधर एक बहुत अच्छे थानेदार है, भाई साहब है अपने, हमारे भाई है, तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे महिला को आगे करके आरोप लगाते हैं कि ऐसा किया वैसा किया जबकि अभी तक में कुछ हुआ ही नहीं। तो जो हमारे थानेदार भाई ने हमको एडवाइस दिया कि यार इसके लिए आप लोगों को गाइड करिए, तो उसके लिए हम लोगों ने महिलाओं को थोड़ा सजागृत करने के प्रयास किया तो लोगों ने हम इसको गलत वे में ले लिया। फिर हमने इसको गियर चेंज किया और गियर चेंज करने के बाद हम लोगों ने अभी बताया कि आपको 5 बिंदु के आधार पर महीने में एक मीटिंग करनी है। एक तो एक कुटुंब से दूसरे कुटुंब के बीच में जमीन का विवाद हो तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड को आधार मानना है, और दूसरा बनाया हमने कुटुंब के अंदर जमीन का विवाद हो तो आपको जमीन का क्षेत्रफल निकालना है और जिस भाई के पास जमीन कम है उसको आपूर्ति करनी है। तीसरा हमने नियम बनाया है कि आपका बिलानाम जमीन है तो गांव की जो आम राय बनती है उसको हमें फॉलो करना है। वो चौथा हमने नियम बनाया है कि जो भाई आदिवासियों की जो पंचायत है, जो आपका आदिवासियों की जो परंपरा से पंचायत चला रही है उसमें अपना विवाद नहीं रखता और सीधे थाने में चला जाता है उसको हम लोग ग्राम सभा में नहीं रखेंगे, वो सदस्य नहीं बन सकता, और बन भी गया है तो वो उसको हटा सकते हैं। और पांचवा नियम ये बनाया, लड़के लड़कियों को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं वो आप सब जानते हैं, इस तरह की नौबत होती है तो हमारे लोग क्या करते हैं उस कुटुंब को ही दोषी मानते हैं, माँ बाप को दोषी मानते हैं, चाचा ताऊ को दोषी मानते हैं, सारे परिवार को दोषी मानते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे, हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको जो गलती करने वाला उनको ही दोषी मानना है। ये जो नियम बनाए इसका मतलब ये नियम 100% फॉलो हो जाए ये हम नहीं कह रहे, और हो जाएंगे ये भी हम नहीं कह रहे, जितना हो सके एक स्टेप तो शुरू हो, एक कदम तो आगे बढ़े। ये पिछले 27 तारीख को हमने किया और सभी लोगों ने नहीं किया, एडवाइस किया सबको करने के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ 25-26 लोगों ने गांवों में हुआ, लेकिन वो 4 जिलों में हुआ 25-26 भी, तो उतने गांवों में तो एक प्रोसेस शुरू हुआ। अगले महीने में 25-26 से 50 हो जाएंगे, फिर फास्ट बढ़ेंगे,
तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही चरण में हम लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। जिसको समझ में आएगा वो करेगा, फिर क्या इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक आएगा तो दूसरा करेगा। इसलिए स्वावलंबन की बात जैसे भैया ने कहा, वाकई हम लोगों को हमारी न्याय प्रणाली पर सबसे पहले स्वावलंबन हासिल करना होगा, हमारा पेट भरने के लिए सबसे पहले स्वावलंबन हासिल करना होगा, क्योंकि हम भोजन की तलाश में पूरा पेट भरने के लिए, पहले जमाने में हमारे को तीन प्रकार से भोजन पेट हमारा भरता था, एक तो जंगल से, एक पशुपालन से और खेती बाड़ी से। अब हम लोगों ने क्या किया कि मजदूरी के आधार पर पेट भरना शुरू कर दिया है, तो आदमी होता है वो तो मजदूरी पर जाता है, पीछे महिला होती है वो नरेगा में जाती है, और बच्चे स्कूल चले गए तो न तो खेती होती है न पशुपालन होता है, और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होती है, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है उसको रखने के लिए एक बच्चा और स्कूल में रखना पड़ता है, तो जो स्कूल है उनकी भी पढ़ाई नहीं होती है, जो घर पे रहते उनकी भी पढ़ाई नहीं होती है, ना खेती बाड़ी होती है ना पशुपालन होता है, और महिला और पुरुष में अविश्वास बढ़ जाता है वो अलग बात है। तो हम लोगों को जितना संभव है आपके पास जितना जमीन है उस जमीन का सदुपयोग करना सीखना होगा नई टेक्नोलॉजी के आधार पर। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं मैं कि आपका खानवा का युद्ध हुआ जो हमारे राजस्थान के जो राणा सांगा थे और बाबर जो बाहर से आया था मुगल उनके बीच में युद्ध हुआ, तो राणा सांगा के पास सेना ज्यादा थी बाबर के पास कम थी, लेकिन बाबर नई टेक्नोलॉजी से लैस था, उसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया और हमारे लोग समझ ही नहीं पाते, राजस्थान वाले क्या मध्य प्रदेश के भी थे यूपी के भी थे उस समय का जो इलाका था उतना, तो वो समझ नहीं पाए आग का गोला क्या है, तो हाथी उल्टे विदक गए और अपनी खुद की सेना को आपका रोन डाला। आदिवासियों को टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल फोन टीवी, ये टेक्नोलॉजी नहीं कह रहा हूं, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से देश में व्यवस्था चल रही है, उसके बराबरी पर हम लोग पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा। हम लोग वही जो हमारे जो अनपढ़ लोग हैं उनके और आपका जो नॉन ट्राइबल जो लोग नीतियां बनाते हैं उनके बीच में एक दीवार बनना होगा पढ़े लिखे लोगों को, और वो आप एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता बनकर ही कर सकते हैं। यदि आपके दिमाग में राजनीति का कीड़ा है तो ये संभव नहीं है, ये बात बहुत अच्छे तरीके समझने जरूरत है। आपकी समझ के अनुसार मैं मेरा थोड़ा स्पीच कटापन भी हो सकता है, लेकिन मैं बोलता ही ऐसा हूं, क्या करूं। ठीक है भैया, आगे सही कहा आपने दादा, बहुत सही कहा दादा आपने। मैं परत जी से अभी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे एक एक चीज तो ये है ही कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनको हमारे क्रांतिकारियों के बारे में काफी कम जानकारी है। आज जो आदिवासी बचा हुआ है वो जो उनको संवैधानिक अधिकार मिले हैं कहीं पे उनका उपयोग हो रहा है, उसी वजह से आज जो हमारा आदमी जिंदा है वो जिंदा है, लेकिन इनको हम लोगों को लाकर देने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी है उनका योगदान आप कैसे देखते हो? पराठ सर देखो हम लड़ाई की बात करते हैं तो जैसे लड़ाई चली है 1796 से, लेकिन जो सबसे लड़ाई का बिंदु जो अंग्रेजों के साथ रहा जिसमें हम कुछ हासिल कर पाए, अपनी आइडेंटिटी भी हासिल कर रहे हैं, इसलिए मैं उदाहरण के तौर पे ये चीज बताना चाहूंगा। जैसे मैंने हुल का जिक्र किया तो संथाल जो सिद्धू कानू चांद भैरव और उनकी दो बहनें हैं फूलो और जानो, इनका क्योंकि हम इतिहास में देखते हो किसी भाई लोगों का नाम आता है, लेकिन एक घर से छह लोग आजादी के लिए शहीद हुए हैं इनका कम ही नाम आता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि उस जमाने में 35,000 आदिवासी लोग शहीद हुए, उनकी बदौलत विक्टोरिया रानी को शर्म आ गई, उनको सिपाहियों को शर्म आ गई कि हमें यहाँ इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। वो नंगे आदिवासी लोग क्या मांग रहे हैं, तो अपनी जल जंगल जमीन मांग रहे, आपसे राज सत्ता नहीं मांग रहे थे, इसलिए आगे जाके उसको ये एरिया छोड़ना पड़ा, संथाल टेनेंसियाक उन्होंने उनको बनाना पड़ा, क्योंकि उसके बारे में उसने संज्ञान में लिया कि किस लिए आदिवासी लड़ रहा है। तो आदिवासी इसलिए लड़ रहा है, भले तीर कामता हो जो चीज उनके पास है, वो इसलिए रजिस्ट कर रहा है कि हमें अपनी जमीन चाहिए, आपकी राजसत्ता नहीं चाहिए, हम जैसे है अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इसके आगे जाके हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही हमें एसटी के नाम से पहचाना जाता होगा, लेकिन हमारे जो जमीन का पट्टा है, जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, उसके ऊपर आदिवासी के जमीन के ऊपर आदिवासी का स्टैम्प होता है। तो इसलिए होता है
क्योंकि जो बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी है इसके, जब सीएनटी एक्ट बना तब से हम जो रियायती जो हमें मिला है, तो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमें शेड्यूल ट्राइब में रखा होगा, लेकिन हमारे जमीन का जो अधिकार है पूरे देश के अंदर, जो उसमें आदिवासी वर्ड आता है और ये हमारी आइडेंटिटी है, तो भले ही बाकी सारी चीज हो, लेकिन बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई की है, जो एक इस तरीके से की है, क्योंकि बिरसा मुंडा आइडियल इसलिए है दुनिया में, मैं बोलूंगा देश में नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पहले पढ़ाई की थी एक क्रिश्चियन मिशनरी में की थी, बाद में एक हिंदू के घर में जाके पढ़े हैं, लेकिन ये दोनों चीज को जज करके उन्होंने देखा है कि ये जंगल जमीन और ये हमारा आदिवासी कल्चर ही बहुत बड़ी चीज है, इसलिए उन्होंने ये दोनों चीज छोड़ के, इसलिए आदिवासी लोगों के लिए ये सही चीज है, इसलिए विरसायत उन्होंने एक ही कि उन्हें सिर्फ तीर धनुष हाथ में पकड़ाने नहीं सीखा, तो हमें इंसान कैसा होना चाहिए, इसलिए इतनी कम उम्र में बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई की और इस तरह से ब्रिटिशों से डायलॉग भी किया कि ये जंगल हमारा है। मुंडा सरदार आंदोलन हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा ने जिस तरह से आंदोलन किया, पहले तो अर्जी देके किया कि नहीं हमें ये हमारा जंगल है, हमारा पुरखों का हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं माना, तब उन्होंने अपने हथियार मतलब तीर धनुष का इस्तेमाल करके इतना कुर्बानी दी, तभी जाके ये सीएनटी एक्ट बना और हमें जमीन का अधिकार मिला। और यही हमें सोचना पड़ेगा, पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो हमें आदिवासी या आदिवासी का जो हमारे जो हम 7/12 बोलते हैं उसके ऊपर आदिवासी जो स्टैंप आता है, ये हमारी आइडेंटिटी आज भी बरकरार है, भले ही संविधानकारों ने हमें एसटी में गिनती की, लेकिन हमारे जमीन के ऊपर हमारा एक अधिकार मिला है, क्योंकि इस देश में हम देश की बात करें तो इस देश में तीन तरह की जमीन है, एक केंद्र सरकार की जमीन, एक राज्य सरकार की, और तीसरी जमीन आदिवासियों की जमीन है जो शेड्यूल एरिया में पड़ती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़े जो बात है, बाकी लोगों को एसटी लोगों को आरक्षण होगा, लेकिन एसटी जो हम ट्राइबल है हमारे लिए जमीन का आरक्षण है, जो एरिया हमें यहाँ पे संरक्षित कर दी गई 5th शेड्यूल के माध्यम से, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी आदिवासी लोगों की खुद की जमीन है। बाकी जो स्वतंत्रता के बाद में जो जमींदारी सिस्टम रही, टेनेंसी के कायदे बने, वो अलग बात है, लेकिन 5th शेड्यूल में जिस तरह से बाहर के लोगों ने आक्रमणता की है और यहाँ गवर्नर का रूल होके भी किस तरह से जमीन हत्याने का काम चालू है, तो ये मैं समझता हूँ कि बिरसा मुंडा की लड़ाई हो, ताना भगत की लड़ाई हो, या तिलका मांझी की लड़ाई हो, इन लोगों ने जो संघर्ष किया है, यहाँ राघोजी भांगरे का लड़ाई हो या फिर तंटा भील का लड़ाई हो, इसके बदौलत अंग्रेजों को कहीं तो भी गैजेट में लिखना पड़ा, रॉबिन हुड ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने कुछ तो भी लिख के रखा, इसलिए आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं और हम अपने प्राउड से फील कर रहे हैं कि हमने भी लड़ाई लड़ी है, ऐसी आजादी हमें फ्री में नहीं मिली है। तो मैं नवयुवकों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास हमें पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए किस तरह से उन्होंने लड़ाई की। मैं भूल का जिक्र वापस कर रहा हूँ कि हमें जालियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत बड़ा चित्र दिखाया जाता है, लेकिन एक जगह पर 35,000 आदिवासी लोग मरना एक छोटी बात नहीं है, हमने भी ब्रिटिशों के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, तब जाके कुछ चीज हम हासिल कर पाए, तो इतिहास बहुत बड़ा है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ हर टाइम पे बोला जाता है कि जिस समाज का इतिहास होगा उसका भविष्य होगा, तो हमारा भी सुनहरा इतिहास है, हमने भी इस देश में लड़ाई लड़ी तब जाके ये हमारे लिए कुछ मिला है ऐसे, क्योंकि 5th शेड्यूल भी मैं ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 5th शेड्यूल का जो भी जो हमें ताकत मिला है वो हमारे संघर्ष के वजह से, किसी ने हमें फ्री में दिया नहीं, उपकार में दिया नहीं, क्योंकि शेड्यूल एक्ट जो बना था वो 1874 में तभी डिक्लेयर हुआ था जब हम लोगों ने संघर्ष किया था, उसका जाके फिर 1919 में और 1935 में इंडिया एक्ट में वैसे ही तब्दील होना पड़ा, उसके ऊपर एडवियर वेलियंस और ठक्कर बापा ने बहुत संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन एज इट इज रखने का उन्होंने कह दिया कि ऐसे ही होना चाहिए, आदिवासी के अपने जो टेरिटरी उसको सेफ गार्ड के माध्यम से बोला। इसलिए मैं वापस ये बोलता, एक टूल है हमारे इतिहास को झांकने के लिए कि किस तरह से हमारे लोगों ने लड़ाई की, तब जाके हमें 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल मिला है, तो हमारा संघर्ष अभी तो बहुत बाकी है, आने वाले जनरेशन को हमें इतिहास में दिखाना होगा कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, इसलिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपना कुछ जो भी माध्यम से हो, उन्होंने अपना खुद की जान का सैक्रिफाइस किया, लेकिन हमें तो टाइम समाज के लिए देना पड़ेगा, समय बहुत जरूरी है आज के दिन में समाज के लिए, पैसा तो बहुत सारे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि समय समाज के लिए देना बहुत जरूरी है, ये चीज मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। बहुत सही कहा दादा आपने, और जो हमारे क्रांतिकारी है उनका जो संघर्ष है उन्हीं के वजह से ये संवैधानिक अधिकार हम लोग को मिले, और उन्हीं संवैधानिक अधिकारियों के वजह से हम कहीं पे आज जिंदा
दिख रहे हैं। तो मेरा हम लोग अभी आखिरी चरण में आ चुके। परमार जी, मुझे आपसे ये जानना है कि संवैधानिक अधिकारों के जन जागृति की भी जरूरत है क्या हमारे समाज को, और कितनी ज्यादा जरूरत है तो एक बार बोलिए, सवाल आवाज सही नहीं आ रहा है। प्रश्न ऐसा था कि जो हम लोग सांस्कृतिक जन जागृति कर रहे हैं, उसके साथ साथ संवैधानिक अधिकारों की जो जन जागृति है उसकी जरूरत आज हमारे समाज को है क्या, अगर है तो कितनी ज्यादा है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा क्या कहे आपका शक्ति है वो ज्ञान ही है। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति में भी ज्ञान है। तो आपका ज्ञान जितना ज्यादा होगा, और ज्ञान में भी संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। और संस्कृति है वो तो आपका निसर्ग पर आधारित है। आपका महाराष्ट्र की भाषा में हमारे इधर प्रकृति बोलते हैं, नेचर। तो निसर्ग आधारित हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति का निर्माण आपका एकदम निसर्ग के अनुकूल है। तो संस्कृति की तो पढ़ाई कराएंगे, उसमें आपका आ ही जाएगा। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है उनकी पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग कोई काम करते हैं तो रूल्स के आधार पर, रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर या कानून के आधार पर हम रोक दिया जाता है। तो आप एक जागरण करने वाला आदमी है, वो समाज की सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि आदिवासियों में हमारे पूर्वज भी सबसे पहले सुरक्षा को महत्व देते थे। तो सुरक्षा को महत्व देने के लिए हम लोगों को संवैधानिक जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल पिन पॉइंट जानकारी बोलनी चाहिए। आज जैसे एट्रोसिटी एक्ट की हम बात करते हैं, तो एट्रोसिटी एक्ट के बारे में क्या क्या बिंदु है वो भी लोगों को जानकारी नहीं है। आपका आईपीसी और सीआरपीसी में कौन कौन सी धाराएं क्या क्या है उसका भी हमको जानकारी नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल में हमको कौन कौन से राइट्स है, क्या प्रिविलेज है, उसकी हमको जानकारी नहीं है। और हम लोगों का कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके हम कैसे लड़ाई लड़े, उसके लिए हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं है। और सिस्टम इसलिए नहीं है कि हमारे वकीलों को रखते ही नहीं है उधर। सिविल लोग, सिविल आपका केसेज होते हैं उनमें, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों को इतना सारा हम लोगों को बताएंगे, लोग काम ही नहीं करेंगे और मान लेंगे चलो भाई गुलामी ठीक है। तो उसलिए इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि देश भर में जितने लोग आपका इस देश में जो आपका मनुवादी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम से पीड़ित लोग है, उन सभी पीड़ित लोगों का जिस तरीके यूएनओ में अलग अलग देश है उसका एक अलायंस है, उस तरीके से पूरे देश में जितने पीड़ित समुदाय है उन पीड़ित समुदायों का भी एक अलायंस होना चाहिए। और इस अलायंस के बलबूते हम लोगों को पूरे देश में एक मोर्चा तैयार करना होगा। और एक संवैधानिक आपका लड़ाई का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने का एक आपका साझा मंच तैयार करना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पराज जी, आपसे भी वही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि संवैधानिक अधिकारों की जन जागृति की कितनी जरूरत है आज हमारे समाज को, क्या लगता है आपको? पहले तो मैं यही बात कर रहा हूँ, वही आदिवासी की बात करूंगा। ये एक टूल है, हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कहता हूँ कि हम जिस परिवेश में अभी हम जीवित है, जिंदगी जी रहे हैं, तो हम किस जगह पर हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस रास्ते से जाना, कहाँ पर जा रहा है, हम किस चीज के लिए जा रहे हैं। इसलिए संविधान में जो भी आवश्यक प्रावधान है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इसके सिवा हम किसी से डिबेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि जो जो प्रावधान है, इस टूल को हम किस तरह से अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे समाज को बचाने के लिए, कि ये हम इससे डिबेट जा सकते हैं। तो बी फ्रेंकली, मुझे ये कहना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश में एट्रोसिटी होना, ये कानून होना, ये सबसे बड़ी शर्म वाली बात है। क्योंकि आज भी इस देश की मानसिकता नहीं बदली है। तो ये हमें सोचने की, हम मानवता की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है। इसलिए हम समझना चाहिए कि जैसे दादा ने बताया कि मनुवादी व्यवस्था, कि लोगों के अभी ये समझ नहीं है कि हम किस तरह से लोगों से बिहेव करें। इतना मतलब अंदरूनी ये घाव है लोगों के अंदर, इसलिए कानून बनाना पड़ता है। ये शर्म वाली बात है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हम सब इंसान है, तो कानून बनाने की क्या जरूरत है कि हम, क्योंकि हम किसी के ऊपर अन्याय करने जा रहे हैं इसलिए कानून के प्रोटेक्शन सारी चीज कर रहे हैं। तो ये यहाँ के समाज की मानसिकता दर्शाती है कि हमारे यहाँ एट्रोसिटी जैसा कानून
बनाया गया है, तो एक जानकारी के लिए है। लेकिन इसके परे हम देखते हैं कि किस तरह से इस कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, क्योंकि कानून ये एट्रोसिटी लिखने वाले केस दर्ज करने वाले भी लोग कौन होते हैं, इसको कैसे तोड़ मरोड़ करना चाहिए सारी चीज हम मालूम है कि कहाँ एट्रोसिटी, क्योंकि एट्रोसिटी होना ये सरकार के ऊपर एट्रोसिटी है, क्योंकि आज भी यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं आपके सामाजिक नीतियों के चलते, तो ये आज भी बहुत बड़ी खाई है इस देश के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जरूरी है हमें संविधानिक जो कुछ बातें हमारे लिए रखी है उसकी जानकारी, क्योंकि हर चीज के लिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ इस कानून के बारे में कि हमारे पुरखे हमेशा कहते हैं कि यदि आप जंगल में जाते हो और आपको खरगोश का शिकार करना हो तो सिर्फ खरगोश का सामान नहीं लेके जाना है, आपको शेर को शेर का शिकार करने के लिए आपके साथ सामान होना चाहिए। इसलिए हम हर तरह की जरूरत की चीजों सामान अपने साथ में रखना चाहिए, क्योंकि ऊंची लेवल से हम सोचेंगे तभी इस मसले को हल कर पाएंगे। हम अंत में आ चुके हैं, आखिरी के दो मिनट में परमार जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि और आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगे समाज के लोगों के साथ, जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे? जी सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, भैया ने भी बहुत अच्छी बात है कही, और मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा देश भर में हम लोगों को आदिवासी एकता कैसे प्रस्थापित हो, इस विषय पर हमारा ध्यान, हमारा समय, हमारी बुद्धि अब सबसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है कि आदिवासी एकता कैसे प्रस्थापित हो, इस क्वेश्चन के लिए हमारा दिमाग लगाना चाहिए, हमारा समय, हमारा बुद्धि जो भी हम लगा सकते हैं, वो जो अच्छे विचारवंत लोग हैं उन लोगों को अपनी बुद्धि यहाँ लगानी चाहिए। दूसरे कामकाज के लिए यंग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं दूसरे को करेंगे, लेकिन देश भर में जो जैसे भाई ने पहले बताया था कि आदिवासी समन्वयक मंच बनाया है, उस तरीके से हम लोगों को काम को और ज्यादा गति देने की जरूरत है कि पूरे देश में आदिवासी एकता कैसे प्रस्थापित हो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उसके बारे में जितना जल्दी हम लोग मंथन करेंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी, जैसे मैं भील हूँ तो मुझे मीणा के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे गोंड के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे संथाल के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे हो के बारे में जानकारी चाहिए, उराव के बारे में चाहिए, कंद के बारे में चाहिए, चेंचू के बारे में चाहिए, संथाल के बारे में, पूरे देश में जितने भी आदिवासी इलाके हैं और उनमें जो जो आदिवासी जनजातियां रहती हैं उनके बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। ये काम हम लोग करेंगे तो इसी तरीके सभी जो विचारवंत लोग हैं वो करेंगे तो आदिवासी एकता जल्दी प्रस्थापित होगी, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा हम लोगों को सभी लोगों को करना चाहिए। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं भैया मैं, कि हम मैंने जो कह दिया वो सही है ऐसा हम लोगों को नहीं मानना चाहिए, हमें क्या मानना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करें हम लोग और अपना विवेक इस्तेमाल करें, अपनी मेधा शक्ति इस्तेमाल करें और क्या ये बात सही थी या गलत थी उसका मैंने सबसे पहले बोला था कि जो बात मैंने बताई वो प्रकृति के अनुकूल है या नहीं है, पूरे जीव जगत के कल्याण के अनुरूप है या नहीं है, पूरे देश की राष्ट्रीय भावना के अनुकूल है या नहीं है और पूरी दुनिया को आपका आगे बढ़ाने के अनुकूल है या नहीं है, यदि है उसके अनुकूल तो वो सही है ऐसा हमको मानना चाहिए। इस तरीके का दृष्टि, इस तरीके का विजन, इस तरीके का दृष्टिकोण हमको हमारा बनता है तो हमें मैं मानता हूं हम एक आदर्श समुदाय का निर्माण कर पाएंगे। ये बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जवाहर, जय बिल्कुल, जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद सर जी जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ थे पालघर से सुनील पराठ सर जी और राजस्थान से भंवरलाल जी परमार सर जी, और जो हमारा आज का विषय था जो आदिवासियों का संघर्ष स्वतंत्र पूर्व का और मिले हुए संविधानिक अधिकार, तो काफी अच्छी चर्चा हम लोगों ने आज यहाँ पे देखी कि जो संविधानिक अधिकार है उसके बारे में मालूमात हम लोगों को होना चाहिए। आज जो आदिवासी जिंदा है वो शायद उसी संविधानिक अधिकारों के लिए, और जिन्होंने ये संविधानिक अधिकार हम लोग को दिए लाके वो जो हमारे क्रांतिकारी है उनको भी नहीं भूलना चाहिए, और इसके आगे जो हमारी लड़ाई होगी वो संविधानिक लड़ाई होनी चाहिए और उसके लिए सही समाज नीति होनी चाहिए, और जो लड़ाई हो जैसे पराज सर जी ने भी कहा कि वो हमारी स्वावलंबी लड़ाई होनी चाहिए, वो हमारी खुद की लड़ाई होनी चाहिए। तो इसी तरह से आगे भी हम लोग आते रहेंगे
और हमारे जो समाज के विषय है उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पराठ सर जी आपका भी धन्यवाद और परमार जी आपका भी धन्यवाद। जोहर, जय आदिवासी, जय बिरसा, जय राघो जी, धन्यवाद। जोहर, जय जोहर। ठीक भाई, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर।